CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला अक्षर की कहानी। आज का हमारा अक्षर है र। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम र से रौनक। तो सुननी है हमें, अरे वाह 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 वा, वा, मेरे शेरो आ जाओ शाबाश, दौड़ के आ जाओ, मेरे गले से लग जाओ प्यारे प्यारे बच्चों। अरे अच्छा ठीक है बैठो 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 बैठो, पहले ये बताओ कि आज तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? पार्क में खेल रहे थे ना। अच्छा पार्क में खेल रहे थे। अच्छा ये बताओ कि तुमने पार्क में कौन कौन सा खेल खेला बताओ? बास्केटबॉल। अच्छा झूला झूला हाँ। तो बच्चों ऐसे ही राजू रोहित रानी इन सबको भी बाग में खेलना बहुत अच्छा लगता था। ये कौन है? ये कौन है भाई? ये जानने के लिए तो तुम्हें सुननी होगी एक कहानी। तो भाई आज की मेरी कहानी का अक्षर है र और कहानी का नाम है र से रौनक। र से रौनक। हाँ अच्छा ये बताओ कि रौनक कहते किसे? भैया मेरे मामा जी मेरे लिए लहंगा लाए थे ना, तो वो मैंने पहना था। अच्छा फिर मेरी मम्मी बोली देखो इसके चेहरे पर क्या रौनक आ गई। अरे वाह भाई इसका मतलब ये हुआ सोफी ने जो बताया कि अगर हम खुश होते हैं तो हमारे चेहरे पर क्या आती है? चमक, ये खुशी आती है, तो उसे हम कहते हैं रौनक। क्या कहते हैं? शाबाश। या घर में कोई खुशी की बात हो तो कहते हैं कि घर में रौनक आ गई। अब जैसे तुम सब यहाँ आए हो तो घर में क्या हो गई? रौनक हो गई। शाबाश। अच्छा दो दो दोस्त है रौनक नाम के, तो र से रौनक। तो भाई तुम्हारी ही तरह कुछ बच्चे थे, वो रोज बाग में खेलने जाते थे। रा से रोज। शाबाश। तो बच्चों राजू राधा रोहित रेखा और रानी ये सब आपस में बहुत ही पक्के दोस्त थे। रा से रेखा। रा से राजू। रा से रेखा। रा से राधा। रा से राधा। रा से रोहित। रा से रोहित। हाँ तो सुनो बच्चों, उसी बाग में एक बाबा भी आते थे, बूढ़े बाबा थे, नाम था रामदीन। रा से रामदीन। रामदीन। बाबा रामदीन रोज शाम को बाग में बैठकर अखबार पढ़ते थे। बच्चे भी रोज शाम को बाग में खेलने आते तो रोज देखते कि बूढ़े बाबा अखबार पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मेरे दादा जी भी बाग में अखबार पढ़ते हैं। क्या बात। हमारी दीदी भी पढ़ती है अखबार में। दीदी पढ़ती है। शाबाश बहुत बढ़िया। मम्मी भी जाती है। क्या बात है। तो बच्चों बिल्कुल ऐसे ही रामदीन बाबा भी शाम को अखबार पढ़ते थे। एक बार बच्चों ने देखा आज तो बाबा रामदीन आए ही नहीं है। बच्चे परेशान कि क्या हुआ, आज तो रविवार भी है। रविवार। बिल्कुल सही, यानी छुट्टी का दिन है ना। संडे। इतवार। रविवार। रासे रास, रासे राज। हाँ रासे राम। भैया रासे राज। हाँ रासे राज और रासे राज। रासे राजा। रासे रानी। रासे रस। रासे राजकुमार। रासे राजकुमारी। बाबा बाग में क्यों नहीं आए थे, यही तो सोचने वाली बात थी। शाम को जब बच्चे बाग में खेलने आए तो उन्होंने देखा कि आज तो छुट्टी का दिन है, छुट्टी वाले दिन भी बाबा नहीं आए तो इसका मतलब जरूर कोई खास बात होगी, ऐसा बच्चों ने सोचा। तो वो सीधा बाबा रामदीन के घर पहुंचे। तब तक पता है रात हो चुकी थी। रासे रात। रासे रात। रासे रावण। रासे रावण। रासे राज। रासे राम। रासे रट। रासे रट। रासे रस्सी। रासे रामदीन। रासे रामदीन। हाँ तो बच्चों पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? जब बच्चे बाबा रामदीन के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाबा रामदीन के पैर में तो चोट लगी थी। बहुत चोट लगी थी। मामूली सी चोट थी, घबराने वाली बात नहीं थी। बाबा रामदीन जरा गिर गए थे तो चोट लग गई थी और वो रुई से उसे साफ कर रहे थे। र से रुई। फिर बच्चों ने जब ये देखा तो वो बहुत परेशान हो गए। रानी ने फटाफट चोट साफ की, पट्टी बांधी, दवा लगा दी। शाबाश। उस पर दवा लगा दी और फिर र से राजू ने फटाफट साफ सी रेशमी चादर बिछाकर
उस पर बाबा रामदीन को बैठाया। रासे रेशमी। शाबाश, रासे रेशमी, रासे रुई, रासे रोटी, शाबाश, रासे राखी, रासे राखी, रासे रबड़ी, हाँ, रासे रसगुल्ला, रासे रसगुल्ला, रासे रबड़ी। अच्छा, तो फिर जब बच्चों ने बाबा को पानी पिलाया तब बाबा रामदीन को थोड़ा आराम मिला। फिर बच्चों ने कहा, बाबा आप यहीं बैठो, हम खाने का इंतजाम करते हैं। तो पता है सब अपने अपने घर से खाना लेकर आए। अच्छा बताओ, सबसे पहले रोहित अपने घर की रसोई से क्या लाया होगा? गुलाब जामुन, मलाई कोफ्ता। हाँ ये तो लाया, लेकिन ये बताओ कि वो अपने घर की रसोई से रसे कौन सी चीज लेकर आया? रोहित लाया राजमा। हाँ, तो रोहित लेकर आया राजमा, तो चावल भी ले आया। अब मुझे कौन बताएगा कि राजू क्या लेकर आया होगा? रासे रोटी। रासे रोटी लाया। और रबड़ी। रबड़ी, अरे वाह क्या बात है, रबड़ी रोटी। रासे रायता। रासे रायता, बजाओ इसी बात पर जोरदार ताली, शाबाश। बस बच्चों अब तो काफी चीजें लेकर आया वो। अब बताओ राधा क्या लेकर आई? वो लाए रसगुल्ला। रसगुल्ला, रासे रसगुल्ला, वाह वाह, रस भरा रसीला। भैया रेखा क्या लाई? रेखा क्या लाई? हाँ ये तो सोचने वाली बात है, रेखा क्या लाई? भाई रोटी चावल तो आ ही चुके थे, तो वो लेकर आई पीली पीली दाल और हरा हरा खीरा, लाल लाल चुकंदर। अरे वाह वाह, हरा हरा खीरा, लाल लाल चुकंदर, पीली पीली दाल, क्या बात है भाई, रंग बिरंगा खाना हो गया है ना। रासे रंग बिरंगा, वाह, रासे रंगीला और रासे रंग, रासे रसोई घर है ना, और रासे राधा, रासे रथ, रासे रस मलाई, क्या बात है, शाबाश। हाँ तो बच्चों सबने मिलकर फिर खाना खाया, सब बहुत खुश हुए। बच्चों ने रामदीन बाबा से कहा, बाबा आपको कोई भी काम हो तो हमें जरूर बताना, आप हमको रोकना मत, हम आपका सब काम करेंगे। रासे रोकना, रासे रोकना, रासे रोना, रासे रोना, रासे रेशमा, रासे रेशमा, रासे रेशमी। तो बच्चों इस तरह से सब बाबा का बहुत ध्यान रखते थे। इतना आदर, इतनी सेवा से रामदीन बाबा कुछ ही दिनों में एकदम भले चंगे हो गए। फिर रामजी बाबा बाग में अखबार पढ़ने लगे। बिल्कुल सही, जब रामदीन बाबा अच्छे हो गए, भले चंगे हो गए, तो फिर से अखबार पढ़ने लगे बाग में आकर, और फिर सबके चेहरों पर रौनक आ गई। पक्के साथी थे राजू राधा रोहित रेखा रानी, खूब खेलते बाग में करते भाग दौड़ और शैतानी। रसे होता राजू राधा रोहित रसे रेखा रानी। बूढ़े बाबा रामदीन रोज आते थे पढ़ने अखबार, राज है बाबा क्यों ना आए, आज तो बल्कि है रविवार। रासे रोज रासे राज रामदीन रविवार। रात को सब गए बाबा के घर, रुक ना पाया था कोई, रामदीन को चोट लगी थी, पूछ रहा लेकर रुई। रासे रात रामदीन रुक रासे होता रुई, दवा लगा कर पट्टी बांध रही रानी, रेशमी चादर पर बैठा कर राजू पिला रहा पानी। रसे राजू रसे रेशमी रसे होता है रानी। बच्चे बोले रामदीन से, बाबा हमको नहीं रोकना, हम रखेंगे ध्यान तुम्हारा काम, कोई तो हमें बोलना। रसे रात रामदीन रखेंगे रसे रोकना। रोहित लाया अपनी रसोई से चावल और राजमा, राजू रबड़ी रोटी लाया और रायता लिया बना। रसे राजू रबड़ी रोटी रसे रायता रसे राजमा।
आदर सेवा ने बच्चों के राम दीन को रिझा लिया, राम दीन को रिझा लिया। रंगत मुंह पर रोशन चेहरा, रौनक से घर सजा दिया, रौनक से घर सजा दिया, रौनक से घर सजा दिया। रा से रौनक। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम भाषा परामर्श डॉक्टर नीलकंठ कुमार, भाषा शिक्षा विभाग NCERT, कलाकार प्रवीण शर्मा, बाल कलाकार नमन, निशांत, लवीश, सोफिया, चारू, नीरू और हरियक्ष, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर चित्राली गोस्वामी, प्रत्यय रक्षित, मेघा और आभा, ध्वनियांकन बटी लैंगलिंगडो और शानु मुक्सीम, आलेख गीत निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।